सहसा शहर देहात में लोगों को चाव से पड़ते देख यकीन नहीं होता कि ये वही इलाका है जहां कहने को तो आजादी है। यहां आज भी मौजूद है बड़े पैमाने पर निरक्षरता रूपी कोड, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के काले धब्बे, और विकास की तो ये हालत है कि जिला के 17 प्रखंडों में से 10 में जाने तक की सड़क नहीं है। मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जमीन का काफी बड़ा हिस्सा है और कुल जनसंख्या का 3/4 भाग गरीब, किसान, बटाईदार और खेतिहार मजदूर का है। ये कहानी है मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा जिले की, जिससे शायद ही कोई इनकार कर सकता है। यहाँ सामाजिक जटिलता बहुत ही ज्यादा है, भेदभाव अभी भी बहुत कुछ है। इन्हीं बुराइयों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई जब 2 साल पहले जिला साक्षरता समिति का गठन किया गया। समिति की बैठक में अभियान को कैसे चलाना है, कैसे छुटकारा पाना है आने वाली संभावित कठिनाइयों से, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक रणनीति बनाई गई और शुरू किया गया साक्षरता अभियान। पर शुरू के दिनों में स्थितियां अनुकूल नहीं थी, स्वाभाविक भी था। जहां लोगों को खाने की 2 वक्त तक रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो पाती थी, वहां पर भला वे पढ़ने के लिए कैसे सहज तैयार हो जाते। लोगों को समझाने बुझाने के लिए पहले गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गईं। गीत संगीत का भी सहारा लेकर लोगों के बीच पढ़ने का संदेश फैलाया गया, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि उनके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। वो धंधा जो चला रहे हैं इसे गांव-गांव में घूर करके, इससे जो है मूर्खता हट जाए, पढ़ने लिखने का ज्ञान हो, पढ़ने लिखने का शिक्षा हो, इसलिए जो है हमको साक्षर अभियान खुला है, उस जरिए से जो है हम गांव-गांव घूर करके यह प्रचार कर रहे हैं। दीवारों पर भी लेखन किया गया। प्रचार प्रसार के लिए ही रात में मशाल जुलूस निकाले गए, जिनकी जुबान पर बोल थे, पत्ता पत्ता अक्षर होगा, दरभंगा जिला साक्षर होगा। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि हर जगह क ख ग का असर दिखने लगा। इस दौरान भी कई प्रकार की दिक्कतें आईं, जैसे कि समाज का एक बड़ा तबका नहीं चाहता था कि दबे कुचले गरीब लोग पढ़ लिख जाएं, क्योंकि इससे उनके वर्चस्व को भी खतरा था। स्वयं सेवकों को भी व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। गांव में पहले हम लोगों को वातावरण निर्माण के दौरान ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो सामंती तत्व हैं या जो कोंगापंथी लोग हैं, ऐसे लोगों का विरोध सहना पड़ा, उनके कोप का भाजन बनना पड़ा, कई साथियों को मार भी खानी पड़ी। पढ़ने लिखने का माहौल बन जाने के बाद काम किया गया निरक्षरों की पहचान का। इसके लिए घर घर सर्वेक्षण किया गया। करीब 9 से 35 आयु वर्ग के 9.25 लाख लोगों की पहचान की गई। इसी दौरान जो स्वयं सेवक निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए चुने गए थे, उन्हें बाकायदा प्रशिक्षित किया गया। उन्हें बताया गया कि अभियान क्या है, क्यों है और कैसे है। इस अभियान से ही निरक्षरता दूर हो सकती है, ये बात उन्हें समझाई गई। तब कहीं जाकर 1.5 साल पहले पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की गई। इससे पहले निरक्षरों की जरूरत के मुताबिक माटी पानी नामक किताब बनाई गई। और चूंकि आबादी का बड़ा हिस्सा सुविधाओं से वंचित पिछड़े दलित वर्गों का था, जिले के 16 प्रखंडों में एक साथ पढ़ाई शुरू की गई। और जब महिलाओं को लगने लगा कि इसके जरिए उन्हें कुछ मिल सकता है, तो वे काफी बड़ी तादाद में सामने आईं। भले ही आज इनके तन पर साफ सुथरे कपड़े नहीं हैं, घर पर खाने को ढंग से भोजन तक नसीब नहीं हो पाता और रहने को टाट फूस की झोपड़ी नहीं है, मगर इनके पढ़ने के हौसले देखते ही बनते हैं। इसी इच्छा शक्ति के कारण आज ये नीचे जमीन पर बैठकर अक्षरों में अपना सुखद भविष्य तलाश रही हैं। पढ़ने से फायदा हुआ, यह से अपना आदमी के चिट्ठी लिखम। पर प्रदेश रहता है, चिट्ठी जो पार्टी लिए पढ़ता है, दस्तखत के लिए पढ़ता है। अब राम प्यारी की ही बात लें, जो अब अक्षर ज्ञान हासिल कर चुकी है। सुनिए खुद उसी की जुबानी कि उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। जब कतो तेले ले जाए छलिए, चाहे मोटियक तेल ले जाए छलिए, तो औठा के निशान दिया पड़े छले। आब तो औठा के निशान नहीं देवे, पर पढ़ले लिखले से तो औठा के निशान नहीं न देते। इसी तरह उज्जवल गांव में एक स्वयं सेविका साक्षरता केंद्र पर महिलाओं को पढ़ाती तो है ही, साथ में मिथिला चित्रकारी भी सिखाती है, ताकि इसी बहाने ग्रामीण महिलाएं पढ़ने को केंद्र पर जुट सकें और जान सकें अपने अपने अधिकार। पहले तो इन लोग अनपढ़ थी, अपना अधिकार करते कुछ नहीं जान पाती थी, तो इन लोगों को पढ़ा लिखा करके सिखा दिए हैं, जो कि अपना रोजगार भी चलाएंगी और समाज में, दूसरे समाज में जाकर के विकसित कर सकती हैं, जिससे कि आपको, हम लोगों को भी सहायता होगा, और या किसी संस्था वगैरह में, नहीं तो अपनी समिति के तरफ से हम लोग बाजार एक बनाएंगे, उस समिति में बिक्री करेंगे, एक बहन होगी जो कि बिक्री करेगी और सब बहन बना करके बेचेंगी।
आज उज्जवल गांव की महिलाएं बड़े चाव से सीख रही हैं अक्षर और चित्रकारी की बारीकियां। तभी तो उनकी जुबान से ये आत्मविश्वास भरे शब्द निकल रहे हैं। मिथिला पेंटिंग सीखने से दूसरे आदमी को सिखाएंगे और उसे कुल रोजगार करेंगे। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाने वाले कुलियों के बीच में भी साक्षरता की मुहिम छेड़ी गई। नतीजा काफी उत्साहवर्धक निकला। एक नहीं पचासों कुली आज एक साथ बैठकर किताब पढ़ते हैं, ताकि भले ही आज इनकी तकदीर अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, आने वाला कल तो अच्छा होगा। पढ़ने से तो बहुत अच्छा हमको बुझाया है, इसलिए कि जो है पढ़ते हैं तो जो है अब जो है अंगूठा का निशान नहीं देना पड़ता है, दस्तखत कर लेते हैं, कहीं पर बोर्ड देखते हैं तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि फलाना चीज है, इसलिए कि आप बोर्ड भी जो है पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। जब जैसे किताब पढ़ने लगे तब से कहीं जरा अपना नाम गाम जानने लगे हैं, और पढ़ाई लिखाएगा तो और आगे के लिए उन्नति होगा, बाल बच्चा पढ़ेगा, अपनों पढ़ेंगे, ओकरो बच्चा पढ़ेगा। ऐसे ही अब फूलों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है, ताकि उसके बच्चों को कल भीख न मांगनी पड़े। हम लोग यही द्वारे अखिल के द्वारे पढ़ने के लिए चलाया, तब बाल बच्चा भी हम लोग भीख मांगता है, बाल बच्चा तो नहीं भीख मांगे हमके साथ साथ। अंदर ही अंदर एक जो व्यापक जागरूकता आई है लोगों में, लोग अपनी समस्याओं के प्रति सचेत होकर आगे आ रहे हैं, उससे अभी तत्काल भले ही बहुत अच्छा नहीं हमको देखने में लगे, लेकिन वो आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा होगा। महिलाओं के आर्थिक स्तर में इससे सुधार हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं में साक्षरता का दर बिहार में केवल 23% है, जबकि पुरुषों में साक्षरता का दर 52% है। तो अधिकांशतः महिलाओं ने ही साक्षरता केंद्रों में पढ़ाई की है, और इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, उन्होंने अपने ग्रुप बना के समूह बनाकर और अपने आर्थिक विकास के लिए भी योजनाएं शुरू की हैं। जब बड़े बूढ़े पढ़ने लग गए तो भला बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे। बच्चों के लिए विद्यालय चलो अभियान चलाया गया, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाने लगा, ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके। बच्चों जो देरी से सीखते थे उनको सीखने में जो भारी लगता था वो आसानी से सीख जाते हैं, और इसके मनीष चूंकि यह खेल खेल में सिखाया जाता है और बच्चों का इसमें मनोरंजन भी होता है, बच्चे समझते हैं कि हम इसमें खेल रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि हम उनको सिखा रहे हैं, उनका मनोरंजन भी हो जाता है और हम उनको सिखा भी देते हैं। परिणाम क्या होता है, जो बच्चे स्कूल आते हैं वो दोबारा नहीं भागते हैं, वो स्कूल में ही रह जाते हैं, और इसका 100% उपलब्धि प्राप्त होने की उम्मीद रहता है हम लोग को और प्राप्त होता है। और इससे आइए इन मासूमों में कुछ करने की ललक। आज इस साक्षरता का ही तो नतीजा है कि निचले तबके के लोगों की बात छोड़िए, सदियों से दबी कुचली महिलाओं में भी खासी जागरूकता आई है। इनके चेहरों पर हताशा की जगह आत्मविश्वास से भरे बुलंद चेहरे देखने को मिलते हैं। महिलाओं की आर्थिक समृद्धि की योजनाएं भी कारगर हुई हैं, और बहुत पंचायतों में महिलाओं के आर्थिक समूह भी गठित हो चुके हैं। इसमें द्वाकरा और IRDP जैसे विकास के कार्यक्रमों से भी समन्वय स्थापित किया गया है, और दरभंगा में जो साक्षर नव साक्षर लोग हैं जो साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़कर आए हैं उनको भी विकास कार्यों में प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे उन लोगों में पढ़ने के प्रति एक अनुराग उत्पन्न हो रहा है, एक चेतना उत्पन्न हो रही है कि हम लोग भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तभी तो अब जिले में उत्तर साक्षरता अभियान शुरू होने जा रहा है। पोस्ट लिटरेसी कार्यक्रम हमारा है, उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम, ये हम लोगों ने इस रूप में लिया है कि हर गाँव के स्तर पर एक ऐसी संस्था और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप हो, विकास उसकी उसका विकास हो, जहां पर सरकार की बात, समाज की बात और जो आने वाली हमारी चुनौतियां हैं समाज के सामने, चाहे किसी कारण से भी चुनौतियां खड़ी हो गई हो, वो सभी चुनौतियां उस धरातल पर, उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिस्कस कर सकें, और नेचुरली जब वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे तो एक बड़े पैमाने पर विचारों का आदान प्रदान होगा, और यही हमारा इस पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम का कार्यक्रम है। आजादी के बाद भले ही दरभंगा विकास की दौड़ में पीछे रह गया हो, पर साक्षरता की दौड़ में दरभंगा पीछे रहने वाला नहीं है, बल्कि उसके कदम तो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देखना तो बस इतना ही है कि कब यहाँ के लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो भाभी कैसा लगा दरभंगा? बहुत अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा साक्षरता कार्यक्रम होता है यो गावन का पिछड़े इलाकन में भी होता है? हाँ, पिछड़े इलाकों में भी होता है। शुरुआत में तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं,
कभी कभी समय भी बहुत लग जाता है। उदाहरण के लिए रतलाम को ही लीजिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीचों बीच बसा है रतलाम जिला। कहने को तो ये बहुत बड़ा जिला है, मगर किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक, ये जिला पिछड़ा है। पर एक चीज है जिसमें ये जिला अव्वल है, वो है साक्षरता का। जी हाँ, यहाँ की तकरीबन 61% आबादी पढ़ी लिखी है, जिन्हें पता है अक्षरों और अंकों के मेल से कैसे बंद किस्मत का दरवाजा खुलता है। पढ़ा लिखा आदमी नहीं था तो भोपाल तक नहीं जा सकता था, और साक्षरता व्यवहार बाद में पढ़े लिखे होने के बाद में सब रतलाम है, भोपाल है, इंदौर तक है, दिल्ली तक भी गए। पर ये तो आज का संपूर्ण रूप से साक्षर रतलाम जिला है, जहाँ पर उत्तर साक्षरता अभियान जोरों पर है। साक्षरता ने यहाँ के लोगों के सोचने और रहन सहन के तरीके पर भी अपना सकारात्मक प्रभाव डाला है। लेकिन जिले में चले अभियान को समझने के लिए आज से 5 साल पीछे जाना होगा, जब अभियान की शुरुआत तक नहीं हुई थी। समझ सकते हैं स्थितियाँ कितनी विपरीत रही होंगी। आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित था। 8 प्रखंडों में से 2 प्रखंड आदिवासी बहुल थे। पढ़ने लिखने का उचित माहौल नहीं था। शुरू में तो जब हम निरक्षरों को पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने के लिए पहुंचे तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खास तौर से उनका ये कहना था कि अब हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, पढ़ने लिखने से कोई नौकरी तो मिलती नहीं है। और दूसरे कई जो बुजुर्ग जिन्हें हम साक्षर करना चाहते थे, उनका ये कहना था कि अब तो हम जिंदगी के आखिरी कगार पर हैं, मोड़ पर हैं, अब हमारे लिए पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं है। ये बहुत सारी दिक्कतें थी। और दूसरी खास बात जो मुख्य रूप से हमने महसूस की, इन इलाकों में जहाँ निरक्षर अधिकांश लोग बसते हैं, वहाँ पर एक ऐसा प्रभावशाली वर्ग भी था जो निरक्षरों के लिए साक्षरता अनावश्यक मानकर उनके आत्मसम्मान को ठोस पहुँचाते हुए वे नहीं चाहते थे कि ये लोग साक्षर हों, क्योंकि साक्षर होने के बाद उनकी शोषण की जो गतिविधियाँ हैं उनको विराम मिल सकता था। ऐसे में जब देश में साक्षरता अभियान का बिगुल बजा तो सोचा गया कि अगर जिले को विकास की पटरी पर लाना है तो साक्षरता ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे यहाँ की तरक्की हो सकती है, लोगों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आ सकती है। फिर क्या था, जिले में अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए अक्षररत जिला साक्षरता समिति का गठन किया गया, न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर भी। इसके बाद खास काम किया गया, घर घर घूमकर निरक्षरों की पहचान की गई। इसी बहाने स्वयं सेवक यानी कि ज्ञानदूत भी ढूंढे गए जो निरक्षरों को निःशुल्क पढ़ा सकें। फिर जो महत्वपूर्ण काम किया गया वो था सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों में पढ़ने लिखने के प्रति उत्साह जगाने का, ये बताने का कि खुशहाली का नया सूरज तभी उगेगा जब सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे। चूंकि पढ़ने वाले तो 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ही थे, जो न तो छोटे बच्चे थे और न ही बूढ़े, तो उनकी पहली प्राथमिकता थी रोजी रोटी कमाना। इस कारण साक्षरता केंद्र में पढ़ाने के लिए चुने गए स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया इन्हें कि कैसे गीतों और हाव भाव का सहारा लेकर पढ़ाना है। इस पुनित काम में महिलाएं भी बड़े पैमाने पर सामने आईं, बगैर किसी हिचक और शर्मो हया के। हम ऐसे शर्मा जाएंगे तो इनका क्या होगा, अगर इनको कुछ अपने पास ज्ञान है तो इनको कुछ थोड़ा बहुत अपन देंगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। नतीजा ये सामने आया कि लोगों में ललक जगी पढ़ने लिखने की और आने लगे वे साक्षरता केंद्रों पर। समय के साथ साथ ये समझने लगे अक्षर और अंकों का गणित। पढ़ने से हमको बहुत फायदा हुआ, घर को पूरा नाम लिख सकते हैं, कहीं आने जाने से दिक्कत नहीं आती है। रतलाम में चले 2 साल की सतत कोशिश का परिणाम ये हुआ कि लक्ष्य समूह के करीब 2 लाख में से 1.25 लाख लोग पढ़ लिख गए। इसके बाद का भी रास्ता आसान नहीं था, बाकी बचे निरक्षरों को पढ़ाना था, साथ में जो नवसाक्षर बने थे उन्हें ऐसे किसी काम से जोड़ना था जिसमें पढ़ाई का बराबर इस्तेमाल होता रहे। नवसाक्षर की जो योग्यता और जो समझ है, अक्षरों का और अंकों का जो ज्ञान है, वह ज्ञान उनमें बराबर बना रहे। यदि उन्हें हम निरंतर पढ़ने लिखने की गतिविधियों से नहीं जोड़ेंगे तो संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है वो उनका खत्म हो सकता है। तो वे पढ़ने लिखने की गतिविधियों से निरंतर जुड़े रहें और इसी के साथ साथ उन्होंने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के माध्यम से विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी बनाई जा सके, इसीलिए उत्तर साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया।
नवसाक्षरों का मन किताबों में लगा रहे इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, जैसे कि नवसाक्षरों के बीच कबड्डी आयोजित की गई, गांव-गांव में नव चेतना केंद्र खोले गए जहां पर नवसाक्षर आकर विभिन्न तरह की किताबें पढ़ते और समस्या होने पर बातचीत से हल निकालते। उत्तर साक्षरता अभियान में ही एक और काम किया गया जिससे भविष्य में तैयार होने वाली निरक्षरों की जमात में कमी आ सके। इसके लिए गांव-गांव में स्कूल चलो अभियान चलाया गया, खेल खेल में बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान दिया गया, भारी भरकम किताबों को दूर रखा गया। यही नहीं, परीक्षा रूपी डर भी बच्चों के मन से भगा दिया गया ताकि बच्चे निश्चिंत भाव से पढ़ सकें। परीक्षा का कोई बंधन नहीं है, बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, सतत उनका मूल्यांकन होगा। इसमें पढ़ाने की विधि जो है वो गतिविधि आधारित है, बच्चों को गतिविधि या कार्ड्स के माध्यम से भाषा सिखाना और जितनी भी गतिविधियां पुस्तक से ही सब कुछ वो बच्चा सीख लेगा, उसमें उसको कलम और पट्टी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभियान से विभिन्न स्तरों पर जो उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं वो काबिले तारीफ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक, हर क्षेत्र में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है जो संकेत देता है आने वाले सुंदर रतलाम का। वो न केवल दिखाई देगा बल्कि महसूस भी कराएगा दिलों में अक्षर रूपी मधुर ध्वनि का। देखो तुम फिर हमका बातन में उलझा लियो, हमका बाजार जाए का है। भाभी देखो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कल साक्षरता कक्षा में तुम आ रही हो कि नहीं? अरे ये भी कोई पूछे की बात है, अब हम बाजार चादर ले थोड़ी जा रहे हैं, अब हम बाजार से किताब लाएगा। अच्छा मेरी प्यारी भाभी। जैसे जैसे साक्षरता का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही लोगों के मन में साक्षरता अभियान को लेकर कई सवाल, कई शंकाएं भी हैं। जैसे कि सुनने में तो बहुत आता है कि फलां जगह, फलां गांव में, फलां प्रांत में साक्षरता अभियान बहुत कामयाब रहा, उसे बहुत सफलता मिली। तो सवाल उठता है, सफलता किसे कहते हैं? ये पूछा हमने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक श्री भास्कर चटर्जी से। When literacy got off the ground with big movements in Kottayam and Ernakulam, they already had a literacy rate of about 85 to 86%. So when they achieved the figures of 90 to 95%, that became a kind of yardstick. But as we moved into the Hindi heartland, into the areas of North India, where socio-cultural factors were much more daunting, we realized that that kind of achievement was not going to be with us for a long time. The Arun Ghosh committee, which went into this in great detail, they have now specified that an achievement of about 55 to 60% of the target group is a very fine achievement. That has become our yardstick for success. चलिए सफलता क्या है ये तो समझ में आ गया, पर इस सफलता का लोग मूल्यांकन कैसे करते हैं, evaluate कैसे करते हैं? We have been trying over these last few years to try and refine the evaluation process. We began with the idea of two evaluations over a project term. Now, as you know, a total literacy campaign lasts anywhere between 12 and 18 months. We try and do the first evaluation, which we call a concurrent evaluation, in the period between the 8th and the 10th months. And after that, we do a final evaluation at the conclusion of the campaign. The first evaluation is supposed to make a kind of midterm review and indicate what the strengths and weaknesses of that campaign has been. And it's also proactive because it tries to tell you how to get rid of the weaknesses that may have crept in. Earlier, this midterm evaluation used to be done by the campaign managers themselves. That is, the Zilla Sakshata Samiti in the district organized a few officials and smaller agencies available within the district to evaluate the program. So what in reality happened was that they were evaluating themselves. So the results that we got from these midterm evaluations were not really credible. We have therefore initiated a policy shift whereby we have now asked the directorates in the state capitals to have empaneled agencies. A no collector can begin an interim evaluation on his own. He has to write to the directorate, and the directorate then nominates an agency from their empaneled list.
with one rider that any organization nominated by the directorate must not have anything to do with the district which is being evaluated. It must be situated outside that district. साक्षरता को लेकर एक और सवाल. मिशन वाले अक्सर पूर्ण साक्षरता शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ये पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या है? There are two ways one can look at this question. One is from the point of view of the individual. The other is from the point of view of the area. If one sees it from the point of view of the individual, then it is functional literacy. That is, an individual must have a reasonable command over the three R's and must also be able to go about his or her daily life with that kind of a reasonable command over the three R's. In measured terms, it would mean getting a result of 70% out of the tests administered to him. If one looks at total literacy from an area point of view, then, as I said to you, we believe that a crude literacy rate of about 75% means for us a total literacy for that area. अक्सर ये भी सुनने में आता है कि पूरे जिले को यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को पूर्ण साक्षर कर दिया गया है. इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि जिले का हर व्यक्ति साक्षर हो गया है या और अर्थ भी निकलता है? Over the last year or so, we have consciously taken a decision not to declare any district as totally literate, because the confusion in the lay mind is that total literacy means that every single human being in that district is literate, which is never achievable. And in any case, our target group is only 15 to 35 age group, which we believe is both the productive and the reproductive age group. Therefore, when we talk of total literacy, we talk of an achievement of about 75% of the people in the age group 15 to 35 alone. समूचे देश में साक्षरता का बिगुल बजाने वाली राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? Two or three things we thought were very important. One was that although we would hasten slowly, we would nevertheless cover all the districts of this country by the end of the ninth plan period, which would mean about 2002. We also said that earlier, the institutions of the State Resource Center and the Directorates of Adult Education, which had been relatively sidelined because we were interacting more straight with the district magistrates, we would bring these two more into the ambit of the program. The other really important concept was decentralization. That is, we would make the state literacy missions vibrant and also empowered both financially and physically. No more would district magistrates have to come to Delhi to present their programs and get approvals. They would be entitled to approvals from their state headquarters itself. We also thought of bringing in the Panchayati Raj institutions, particularly the elected representatives, into the mainstream of the program. And we are beginning several sensitization exercises, orientation exercises, where we would bring Panchayati Raj functionaries and elected representatives very much into the heart of the movement.